हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रक्षाबंधन के अवसर पे ये बढ़िया सी मिठाई आपको बना के दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रख दी है, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी के मेल्ट हो जाने पे हम इसमें 100 ग्राम के करीब चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। कुटी हुई इलायची डाल देंगे हम इसमें फ्लेवर के लिए। घी में चाशनी बनाने से चाशनी हमारी जमती नहीं है, इसलिए हम चाशनी को घी में ही बनाते हैं। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल के रख लेंगे। कढ़ाई को क्लीन करके हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। कढ़ाई को हमने बिल्कुल मध्यम आंच पे यानी लो फ्लेम पे रखा है। अब हम इसमें 1 कप उबला हुआ दूध डाल देंगे। अब हम इसमें 100 ग्राम मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। लगातार चलाते रहने से हमारे लम्स भी इसमें नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो अब हमने चीनी की जो चाशनी तैयार की थी वो इसमें हम डाल देंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। अब 1 चम्मच हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं। इसे भी ये डाल के हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स ना पड़े। तो ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए, ये मिक्सचर बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। इसने कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। प्लेट को हमने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है, इसी पे हमने मिक्सचर को निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब हाथों में हमने हल्का सा घी लगा लिया है। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी शेप्स में बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये पेड़ा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम आपको एक और बना के दिखाते हैं। तो ये सारे पेड़े हमने बना के तैयार कर लिए हैं। गार्निशिंग के लिए हम इस पे थोड़ा सा पिस्ता बादाम लगा देंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम समय में हमारे ये बढ़िया से पेड़े बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही ढेरों आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।